हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन इंडिया देयर लिव्ड ए ब्राह्मण नेम्ड मित्रा। भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था मित्रा। वंस ही वेंट टू ए नियर बाय विलेज टू विजिट ए डिवोटी। वो बगल में एक विलेज था, उसमें गया एक डिवोटी। डिवोटी होता है भक्त से मिलने। द डिवोटी गेव हिम ए गोट। तो जो उसका भक्त था ब्राह्मण देवता का, उसने उनको एक बकरा दे दिया। गोट इज बकरी, ही गोट शी गोट आई थिंक यू नो। तो द ब्राह्मण डिसाइडेड टू ऑफर द गोट एज ए सैक्रीफाइस टू द गॉड। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इस बकरे को, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ही गोट है, ठीक है। तो ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि इस बकरे को हम गॉड को क्यों ना बलिदान दे दें। ऑफर द गोट एज ए सैक्रीफाइस, सैक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान दे देना टू द गॉड। गॉड को क्यों ना बकरा हम काट दें। द ब्राह्मण स्टार्टेड हिज जर्नी होमवर्ड्स। ब्राह्मण बकरे को लेकर के घर की तरफ चल दिया। ही कैरीड द गोट ऑन हिज शोल्डर। उसने बकरे को अपने कंधे पर रखा हुआ था। थ्री क्रुक्स साहिब, क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान आदमी। तीन बेईमान आदमियों ने ब्राह्मण को देखा। दे मेड ए प्लान, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इससे ब्राह्मण से हम बकरा कैसे ले लें। द फर्स्ट क्रुक स्टूड इन ब्राह्मण्स पाथ। तो पहला वाला जो डिसऑनेस्ट आदमी था वो ब्राह्मण के रास्ते में बैठ गया। ही सेड टू हिम, हो ब्राह्मण, व्हाई ऑन अर्थ आर यू कैरिंग ए प्रोफेन डॉग ऑन योर शोल्डर। आप ब्राह्मण हो और ये एक प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, तो आप एक कुत्ता, अपवित्र कुत्ता अपने कंधे पर बैठा के ले जा रहे हो। ब्राह्मण नाराज हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? कांट यू सी दैट इट इज अ गोट, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये बकरा है? द क्रुक हैड प्लेड हिज पार्ट एंड रिप्लाइड। तो जो डिसऑनेस्ट आदमी था, बेईमान आदमी था, उसने कहा, यू मे हैव इट एनीवे यू वांट, बट कोई बात नहीं, आपको लगता है कि ये बकरा है तो कोई बात नहीं, ले जाइए। अब हम आगे की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लें। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। ए लिटिल फर्दर, थोड़ी दूर पर, द सेकेंड क्रुक अप्रोच्ड एंड सेड। दूसरा वाला जो बेईमान आदमी था वो आया और बोला, ओ ब्राह्मण, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। व्हाई डू यू कैरी ए डॉग, आप एक कुत्ता को लाद के अपने कंधे पर जा रहे हो। तो ब्राह्मण लुक्ड एट हिम एंग्रीली, ब्राह्मण ने उसकी तरफ नाराज भरी निगाहों से देखा, एंड ही टू वेंट अवे, और फिर चले गया। हाउएवर दिस टाइम द ब्राह्मण हैड बिगन टू डाउट हिज ओन सेंसेस। लेकिन इस बार ब्राह्मण को डाउट होने लगा कि सचमुच कहीं मैं कुत्ता तो नहीं लेके जा रहा हूं। आफ्टर ए व्हाइल द ब्राह्मण मेट द थर्ड ग्रुप। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण तीसरे नंबर के बेईमान आदमी से मिला, तो उस आदमी ने भी वही बात कही कि आप ब्राह्मण होकर के इस अपवित्र कुत्ते को अपने गले पर लाद करके कहां जा रहे हो? द ब्राह्मण थ्रू हिज बर्डन ऑफ द गोट। तो ब्राह्मण ने गुस्से में उस बकरे को फेंक दिया और छोड़ के आगे चले गए। द वेटिंग क्रुक्स कॉट होल्ड ऑफ द गोट, और वो जो क्रुक्स थे उनको वही बकरा तो चाहिए था, तो उनको वो बकरा मिल गया। स्टोरी खत्म।